आज हम क्विक एंड इजी रेस्टोरेंट स्टाइल मुगलाई पनीर टिक्का मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून ठीक कर्ड लिया है, दही में से पानी निकाल लेना है। ये हम एक डिश में ले लेंगे। 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। वन टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें कलर अगर डालना है तो 1/8 टीस्पून तंदूरी रेड कलर डालना है। हम यहाँ पे कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मिक्स कर लेंगे। थ्री हंड्रेड ग्राम पनीर का क्यूब कर लिया है, मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से पनीर के ऊपर कोट कर लेना है। पनीर को मैरिनेट कर लिया है, इसे 10 से 15 मिनट रखेंगे। ग्रेवी के लिए पेस्ट बना लेते हैं। 1/3 कप ऑनियन स्लाइस है, ये मिक्सर जार में डाल देंगे। 2 टेबलस्पून काजू डालेंगे, 20 काजू है ये। 2 टेबलस्पून मगजतरी सीड्स डालेंगे, 5 से 6 लौंग डालेंगे, 2 स्टिक दालचीनी डालेंगे, 6 क्लोव गार्लिक डालेंगे, 1/2 इंच जिंजर का पीस डालेंगे, इसे चॉप करके डाल देंगे। 6 से 7 कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, इसका मैंने सीड्स निकाल लिया है। 3 ब्लैक कार्डमम डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। ग्राइंड कर लेंगे। एक कप पानी डालेंगे और स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट रेडी कर लिया है, अभी पनीर टिक्का बना लेंगे। फ्राई पैन में पनीर के पीस डाल देंगे। पनीर को मीडियम आंच पे कुक करना है। पनीर के पीस को हम फ्लिप कर लेंगे। पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। पनीर को हमने फ्लिप कर लिया है और पानी सूख जाए तब तक हम कुक करेंगे। पनीर रेडी हो गया है, हम गैस ऑफ करते हैं। ग्रेवी बनाएंगे। 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 50 ग्राम बटर डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे। मिक्स करके मसाले को सौते कर लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक मसाला हमने सौते कर लिया है। 1/2 कप टोमेटो प्यूरी डालेंगे, मिक्स करके सौते करेंगे। मसाला मीडियम फ्लेम पे सौते कर लिया है। ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक सौते कर लिया है। आंच धीमी करके इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे,
1/8 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 50 ग्राम मावा डालेंगे, ग्रेटेड मावा है, मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून शुगर डालेंगे, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके धीमी आंच पे 3-4 मिनट सौते कर लेंगे। 4 मिनट हमने सौते कर लिया है। 1 कप गरम दूध डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। तीन मिनट मीडियम आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए कुक कर लिया है ग्रेवी को। 1 कप गरम पानी डालेंगे, मिक्स करके 2 मिनट कुक करेंगे। 2 मिनट कुक कर लिया है। पनीर टिक्का बनाया है ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 1 बॉईल आए तब तक कुक करेंगे। ग्रेवी में 1 बॉईल आ गया है। सब्जी हमारी रेडी है। हम गैस ऑफ करते हैं और सर्विंग बाउल में निकालेंगे।